देश विदेश में शैक्षिक, सामाजिक और मीडिया संस्थानों का संचालन करने वाले देश के प्रख्यात ग्रुप आरकेडीएफ का 29वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह भोपाल स्थित आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज शाम आयोजित किया जाएगा। समारोह का मुख्य आकर्षण जवां दिलों की धड़कन कहे जाने वाले प्रख्यात सिंगर मीका सिंह का लाइव कॉन्सर्ट होगा। मीका सिंह के आज सुबह भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आरकेडीएफ के प्रदेश और देश भर में स्थित विभिन्न संस्थानों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर से विशिष्ट जनों की बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। आरकेडीएफ परिवार के मुखिया डॉक्टर सुनील कपूर के निवास पर भी सुबह से बड़ी संख्या में लोगों के आने और शुभकामनाएं देने का सिलसिला चल रहा है। इस मौके पर आरकेडीएफ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने कहा कि आरकेडीएफ हर साल एक नया आयाम छूने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप 7000 कर्मचारियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं ग्रुप की इकाई एपीजे यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर श्रुति कपूर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आरकेडीएफ ग्रुप एक परिवार है। आरकेडीएफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर ने कहा कि आरकेडीएफ ग्रुप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। आने वाले 5 साल में हम सफलता के नए आयाम को हासिल करेंगे। इस मौके पर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची की चांसलर डॉक्टर साधना कपूर ने कहा कि आरकेडीएफ ग्रुप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रुप की एक अन्य प्रमुख इकाई श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक की डायरेक्टर रुचि कपूर ने कहा कि मध्यप्रदेश का भविष्य बनेगा। आने वाले सालों में आरकेडीएफ ग्रुप इंडिया का नंबर 1 ग्रुप बनने जा रहा है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भव्य आयोजन होगा। शाम 7 बजे से मशहूर सिंगर मीका सिंह का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरकेडीएफ को देश का नंबर 1 ग्रुप बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। आरकेडीएफ ग्रुप अपना आज 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी कैंपस में आज शाम 7 बजे से भव्य आयोजन किया जाएगा। मशहूर सिंगर मीका सिंह का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। उनतीसवें स्थापना दिवस पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर ये जो स्वराज न्यूज चैनल चलाया जा रहा है बहुत ही सार गर्भित और त्वरित समाचारों को दर्शकों के सामने रखता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार ये स्वराज और आरकेडीएफ ग्रुप प्रगति करता रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरकेडीएफ स्वराज एक्सप्रेस ग्रुप के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो चालो यारो। इसी धैर्य के साथ आरकेडीएफ ग्रुप अपना काम कर रहा है। आज 29वां स्थापना दिवस है आरकेडीएफ ग्रुप का और परिवार के तमाम जो आरकेडीएफ ग्रुप के जो परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया वो सब लोग आज हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसा पूरा संघर्ष रहा और किस तरीके से आगे का पूरा भविष्य जो है अब तय करने जा रहा है आरकेडीएफ ग्रुप। हमारे साथ चेयरमैन साहब सुनील कपूर ये हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपको बधाई सर, 29वां स्थापना दिवस है। सर किस तरीके का पूरा संघर्ष रहा आरकेडीएफ का अभी तक? 29 साल पहले आरकेडीएफ ग्रुप का शुरुआत की थी, 50 आदमी थे हमारे पास, आज 7000 से ऊपर एम्प्लाई हैं, 6500 एम्प्लाईज मध्य प्रदेश में हैं और ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने बड़े परिवार के साथ हम हर साल नए आयाम को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं और मध्य प्रदेश की भोपाल की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। सर आरकेडीएफ ग्रुप का क्या सिद्धांत रहा है और अभी तक किस सिद्धांत के साथ आगे हम काम करते रहे? आरकेडीएफ ग्रुप का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो है हमारे साथ वो हमेशा है, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे परिवार है, चाहे एम्प्लाई हैं, जो भी है, जो एक बार हमारे साथ जुड़ा है वो हमेशा के लिए जुड़ा है, कोई एक्स आरकेडीएफ नहीं है जी। हाँ डॉक्टर श्रुति कपूर भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं। मैम
29वां स्थापना दिवस हमारा ग्रुप मना रहा है आरकेडीए ग्रुप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये 29 फाउंडेशन डे है, मेरे पापा का बर्थडे है, बहुत ही खुशी का दिन है एंड आई विश पापा वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड पापा मैं हर जन्म मैं आप ही की डॉटर बनना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई अवार्ड देना हो फॉर द बेस्ट फादर तो एवरी डे मैं आप ही को अवार्ड दूंगी बीइंग अ बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। एंड आरकेडीएफ टीम ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आगे भी देंगे, इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रमंद हूँ। आरकेडीएफ ग्रुप के मजबूत स्तंभ सिद्धार्थ कपूर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करें। सिद्धार्थ सर, बहुत गर्व का विषय हम लोगों के लिए कि 29वां हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आगे अब भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं आरकेडीएफ ग्रुप? देखिए अभी हमने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी शुरू कर रहे हैं, जो मेरे फादर ने ग्रुप 29 ईयर्स पहले शुरू किया था, 29 साल हो चुके हैं आज, ये 29th फाउंडेशन डे है आज, तो उसी को आगे लेके जाके उनके साथ हम कदम से कदम मिला के कुछ नए दो नए मेडिकल कॉलेजेस, एक न्यूज़ चैनल तेलुगू का और भी स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट्स, ये सब हम अब शुरू कर रहे हैं। एक बुखारी जो आर्मी के लिए हम बना रहे हैं ताकि उनको सियाचिन और ऐसी ठंडी जगहों में उनको कुछ हम एक सहायता दे सकें ताकि वो उनको थोड़ी गर्म उनके टेंट में वो सब मिल सकें। तो अब आगे के हमारे काफ़ी प्लान्स हैं, आने वाले हमारा टारगेट है कि जितना अभी हमने ग्रो किया है आने वाले 5 साल में हम इसका डबल ग्रो करें। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी मेहनत के साथ हम, मतलब ये उम्मीद है कि अब आरकेडीएफ ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और जो टीम हमारी है वो शुरू से हमारी टीम बहुत ही डेडिकेटेड रही है, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो कॉलेजेस की हो, हेल्थ सेक्टर की हो, बैंकिंग की हो, ने हमारा हमेशा का पूरा साथ दिया है, चाहे रात दिन एक करके। तो वैसे ही हमें उम्मीद है कि इसी तरह हमारे साथ वो कदम से कदम मिला के और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। सर, आरकेडीएफ ने सामाजिक अपना दायित्व बाखूबी निभाता है, आरकेडीएफ का अब आने वाले दिनों में क्या कदम होने वाले हैं? देखिए आरकेडीएफ ग्रुप ने हमेशा साल बाय साल आप देखते रहे, मतलब हमने चाहे पर्यावरण के विषय में हो, चाहे एनजीओस के, जो हमारे जो ग्रुप के एनजीओस हैं वो दिव्यांग बच्चे हैं, हमने ये सब इनके साथ हमने बहुत सारी कार्यशाला और बहुत सारे हम चीज़ें करते रहते हैं। और हमारा जो टारगेट है, एक जो सर के जन्मदिन में हमने 2 साल पहले सोचा था कि हम इसको 10 लाख पेड़ का हमारा टारगेट है कि हम वो पूरा करें, और उसके हम बहुत करीब हैं, तो मुझे लगता है इस साल हम उसको अचीव करेंगे। और जो हमारे ग्रुप का भी मोटो है कि ग्रीन आरकेडीएफ को रखने का, तो ये हम कोशिश करेंगे कि, प्लस जो एक हमारा टारगेट है कि अब हम कोई भी चीज़ विदेशी ना खरीदें, पूरा देसी ही मतलब उसमें करें, तो हमारा टारगेट है या तो मेक इन आरकेडीएफ हो, जिसमें हमारा फर्नीचर से ले के बहुत सारी चीज़ें हम आरकेडीएफ में ही बनाते हैं अपने पूरे ग्रुप में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देहरादून, रांची, सब जगह सबके अपने अपने पूरे वेंचर्स हैं वहाँ पे। और उसी के साथ हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी अब बाकी चीज़ें भी या इंडिया से बाहर की चीज़ें हम कोई ना लें। स्पष्ट रूप से साफ संदेश है कि भारत की ही बनी हुई चीज आरकेडीएफ पे बने। साधना कपूर मैम हमारे साथ हैं और हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अभी तक का सफ़र कैसा रहा और चुनौती के साथ साथ किस तरीके से आगे का सफ़र तय होने वाला है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, 29वां हम स्थापना दिवस बना रहा है हमारा ग्रुप, मैम कैसा रहा अभी तक का सफ़र? सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा, इसमें एडवेंचर ही एडवेंचर थे। हमने पहले बहुत स्ट्रगल किया, फिर हमें सफलताएं मिलती गई और हम और पूरी ताकत से आगे बढ़ते गए। इसमें हमारे पूरी टीम का योगदान है कि इतने कम समय में आरकेडीएफ ग्रुप इतनी ऊंचाइयों में आ गया है, देश क्या विदेश में भी अपने झंडा गाड़ दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हम बहुत नई नई योजनाओं के साथ जो हम आगे आ रहे हैं वो सब पूरी होंगी और हर बंदे के मुंह में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का ही नाम होगा, आरकेडीएफ ग्रुप का। और हमारी जो टीम है वो बहुत ही सक्षम है और ये एक परिवार की तरह है, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं एक परिवार की तरह। हम बहुत तूफान आए हैं, बहुत मुसीबतें आई, लेकिन सब ने मिल के डट कर सामना किया है, क्योंकि लोगों को पता है कि यदि वो हमारी एक उंगली पकड़ेंगे तो हम उनका हाथ तोड़ देंगे, मगर यदि वो प्यार से रहेंगे तो हम उनके लिए अपना सब कुछ
देने को तैयार है। 1,00,000 स्टूडेंट एलुमनाई का ग्रुप बना है और उसके हम बहुत शीघ्र ही ये करने वाले हैं। और 1,00,000 तो एक शहर की तरह होता है, सो आप देखेंगे हमारा भविष्य बहुत। मैम आपने चुनौती का कहा, किसी भी सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो महिला इस परिवार में आप है। कितना सेटिस्फेक्शन रहा और कितना चुनौती रही, क्योंकि डॉक्टर साहब दिन रात हमने देखा कि किस तरीके से आरकेडी ग्रुप को आगे बढ़ाने में लगातार लगे रहते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कोई परिवार को कम समय दे पाते होंगे ऐसे में? एक्चुअली हमें कभी ये गम नहीं रहा कि उन्होंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि हम खुद ही 24 घंटे उनके साथ रहते थे, हर कदम में उनका साथ दिया, हर चुनौती में, हर सुख में, हर दुख में हमारा पूरा परिवार साथ रहा, इसलिए हमें कभी ये लगा ही नहीं कि उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया, क्योंकि हमने हमेशा कुछ ऐसी याद जो हम तो शेयर करना चाहें। वो एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सफल नेता भी हैं, हर चीज़ में सफल हैं, मगर वो एक बहुत ही अच्छे और प्यारे बेटे हैं, बहुत अच्छे और प्यारे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे और प्यारे फादर हैं, बहुत अच्छे और प्यारे दादू हैं। सो ही इज़ अ कंप्लीट मैन, जिसमें हर पर्सनैलिटी, हर खूबी भरी हुई है। सो बहुत ही रोमांचक हमारा सफर है और बहुत ही बढ़िया, और हम चाहेंगे हर जन्म हम ऐसे ही चलते रहे। मैं और भी जान लेता हूँ, रुचि कपूर मैम साथ में है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मैम 29वां स्थापना दिवस और आरकेडी ग्रुप लगातार अपने एक विस्तार की तरफ आगे बढ़ रहा है, आसमान की तरफ आगे चल रहा है, भविष्य किस तरीके से तय करने वाले हैं? मैं सोचती हूँ कि अब आरकेडीएफ ग्रुप ही भोपाल का और मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है, इसीलिए क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे चेयरमैन श्री सुनील कपूर जी का जन्मदिन है, और इसलिए भी क्योंकि हम अपना 29वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। पापा ने एक बहुत छोटे ग्रुप की स्थापना की थी, बहुत छोटे ग्रुप में शुरुआत की थी, और आज हम 5,000 से 6,000 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, और यही नहीं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा डेंटल एजुकेशन ग्रुप में सबसे बड़े आज हम हैं। पूरे इंडिया में भी हम कह सकते हैं कि हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, और हम सोचते हैं, हम भगवान से प्रे करते हैं कि हम ऐसे ही बढ़ते रहें और इंडिया का नंबर वन ग्रुप बने। मैम समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग शिक्षा होता है, और वही काम आरकेडीएफ ग्रुप लगातार कर रहा है, और बड़ी ईमानदारी से एक भविष्य का निर्माण कर रहा है। बच्चों के लिए जो आरकेडीएफ ग्रुप के जो छात्र हैं, या एक बहुत बड़ा परिवार हमारा आरकेडीएफ ग्रुप का, उसके लिए आज क्या संदेश दे रहे हैं? यही संदेश देना चाहूँगी कि वो बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, और सारे बच्चे हमारे ग्रुप का नाम रोशन करें। जब हम कहीं जाते हैं और हमें पता चलता है कि कहीं कोई कॉर्पोरेट कंपनी का बड़ा एम्प्लॉई, कहीं का CEO, कहीं का जनरल मैनेजर आरकेडीएफ का पास आउट है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं होती। तो हम, जैसे कि आपने कहा कि हम बच्चे देश का भविष्य होते हैं, हम उनका भविष्य बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक हम बनाएं इस देश के लिए। मैम चूँकि आज डॉक्टर का जन्मदिन भी होता है और स्थापना दिवस भी है, तो आज दिन भर का आरकेडीएफ ग्रुप का पूरा क्या कार्यक्रम होने वाला है? आज जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा जश्न का दिन है हमारे लिए, हमारी शुरुआत तो सुबह हम केक कटिंग से करते हैं, पर उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। हमारे तीनों मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल कैंप्स आज लगे हुए हैं, बहुत सारे गांवों को हमने दवाइयां भी हम बांट रहे हैं, बहुत सारे अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम हैं जहां पर आज के दिन हम खाने का वितरण करते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का वितरण करते हैं। वैसे तो ये बातें कहने की नहीं होती, पर क्योंकि आपने प्रश्न किया तो मैंने जवाब दिया। बट हम बस हम यही चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकें हम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूँ तो चला था अकेला, मगर काफिले बनते गए, लोग जुड़ते गए, कहीं कहीं ना कहीं इस पूरे सिद्धांत के साथ डॉक्टर सुनील कपूर ने अपना पूरा जीवन जो है इसके साथ बिता दिया। कमज़ोर का हाथ पकड़ना और कमज़ोर से की सहायता करना, कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनील कपूर का जो रहा है, और
सीधे तौर पे देखिए ये तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें मैं और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जश्न बन रहा है। और ये कह सकते हैं कि आज का दिन पूरे तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं कुछ और लोग भी हैं, मैं सीधे बात कर देता हूँ। सर 29वां स्थापना दिवस आज आरकेडी ग्रुप मना रहा है, किस तरीके की यादें जुड़ी हैं? मैं आदरणीय मतलब कपूर साहब से करीब 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं डे बाई डे इनकी जो भी प्रोग्रेस है वो सब देख रहा हूँ। आज मेरे ख्याल से इनके 10 लाख एल्यूमिनी स्टूडेंट्स हो गए हैं और 10,000 करीब एम्प्लॉई है, और आगे भी रोज निरंतर नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आज इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आशीष सोमर सर भी साथ में हैं। सर आज का दिन आरकेडी ग्रुप के लिए जश्न का माहौल रहता है और आज शुरू से सुबह से शुरू भी हो गए हम, कैसा दिन बनने वाला हो, सबसे महत्वपूर्ण किस तरीके की आगे का आता है, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस लगातार एक नया आयाम गढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके की पूरी प्लानिंग है? देखिए कपूर साहब ने ऑलरेडी एजुकेशन में अपना एक नया आयाम बना लिया। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप है अपना, जहाँ तकरीबन 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, जो भी कुछ काम कपूर साहब का है वो ग्रैंड लेके चलते हैं। ग्रैंड में क्या है, ऐसी स्थिति है कि अब हम एक चैनल के साथ में आए थे, दूसरा चैनल हम अभी दूसरा 30 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, और ऐसे ही दो और चैनल्स की हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रैंडनेस जो है वो इनके वर्क कल्चर का एक पार्ट है कि कुछ भी करेंगे तो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों को नजर आए। तो आज जो पार्टी है वो भी ऐसी है, और शाम की पार्टी आपको नजर आएगी, वैसी कोई पार्टी हुई नहीं होगी इस पूरे साल के अंदर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप जी। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सुबह से ही जश्न का माहौल है, 29वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का पूरा जो है जश्न का माहौल है। सर आरकेडीए ग्रुप का आज 30वां स्थापना दिवस है, और कहीं ना कहीं समाज को लेकर एक बड़ा कदम लगातार आरकेडीए ग्रुप उठाता रहा है, कमजोर के साथ हाथ पकड़ना, किस तरीके की यादें आपकी आरकेडीए ग्रुप से जुड़ी हैं? मैं इस ग्रुप को शुरू से जानता हूं, और डॉक्टर सुनील कपूर को बचपन से जानता हूं, और जो कुछ मैंने देखा है उसको केवल शब्दों में बयान करना किसी भी भाषा के शब्दकोश में इतने शब्द नहीं हैं जिससे इनकी पूरी सराहना की जाए और इनकी जो अचीवमेंट्स है उनको बताया जाए। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो किया बड़े दिल से, लगन से, और डेडिकेशन और हम्बली किया जी। आरकेडी ग्रुप बन चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा आयाम इस समय आरकेडी ग्रुप का है, समाज को गढ़ना कहीं ना कहीं एक हमारा एक मूल उद्देश्य रहा है। कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आरकेडी ग्रुप? See, I don't know anything about this company. I know my nephew. He's my nephew. He's very affectionate and loved by everybody in the family. Not because he's a big shot, just because he's very affectionate, very humble and down to the earth. Everybody likes him. He's like, we cannot say anything about him. जैसे कहते हैं ना, सूरज को रोशनी दिखानी हो, सूरज को रोशनी दिखाएंगे तो उस रोशनी का कोई असर नहीं होएगा। Only the sun will shine, not the diya will shine. 29वां स्थापना दिवस से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब सुनने वालों को बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो आरकेडीएफ ग्रुप जिस मुकाम पर है उसके पीछे आप लोगों की ही मेहनत है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ग्रुप और ऊंचाइयों को पहुँचे, और आप लोग का इसमें योगदान सदा बढ़ता रहे। धन्यवाद। लंबे अरसे से आरकेडीएफ ग्रुप को आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और जुड़े भी हैं, और एक नई कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, आने वाला भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? आने वाला भविष्य एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि भारत सरकार चाह रही है कि शिक्षा नीति में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्वालिटी एजुकेशन दें, हमारा ग्रुप उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं समस्त आज फाउंडेशन डे पे डॉक्टर सुनील कपूर साहब को, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, इस ग्रुप के फाउंडर को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस 29th फाउंडेशन डे, एंड द सेम डे इज सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ आर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, सो आई जस्ट विश हिम लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड गुड हेल्थ इन हिज करियर।
जी सर, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इस दिन में लॉन्च हो रहे हैं, लाइक न्यूज़ 360 हो रहा है जो कि तेलुगु चैनल है हमारा, वाई के बी आई चैनल है, वाई के बी आई जिम है हमारा, और ऐसे बहुत सारे विद्यांचल यूनिवर्सिटी है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज लॉन्च हो रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं सर, मैं सर को विश करना चाहूँगी, ही इज़ लाइक फादर फिगर फॉर अस, और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। सूरज की तरह सुनील कपूर सर ने इस पूरे आरकेडीएफ को रोशन किया है और उनसे जुड़ के उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। दिनेश सर, आरकेडीएफ ग्रुप का 25वां स्थापना दिवस है, हम सब लोग मिलकर हमारे ग्रुप को आज मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ग्रुप और तरक्की करे, रात रात में चलता रहे, क्या 29वां मना रहे हैं, ऐसी 100वां भी हम बनाएं, ऐसे इस ग्रुप की तरक्की हो। आरकेडीएफ ग्रुप से कुछ जुड़ी हुई कुछ खास याद आपको? मेरी पूरी जब बचपन ही प्रैक्टिकली यहीं गुजरा है तो पूरी यादें ही, जो जो हुआ है वो पूरी यादें ही हैं आज भी। कैसा रहा आरकेडीएफ ग्रुप के साथ सफर? हाँ, बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा है, और मैं विगत करीब 5 साल से जुड़ा हूँ, पर हमारा रीवा का जो वैरायटी कॉलेज है वो 2003 से संचालित है रीवा में जी, और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस ही कर रहा है जी, रीवा का कॉलेज भी जी, जिस तरह से बाकी कॉलेजेस अपना कर रहे हैं जी, रीवा भी उसी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, चेयरमैन सर और उनकी टीम जो है जी, उनके गाइडेंस में और अच्छा करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। सर, आप भविष्य करते हैं जी। हम लोग सर हमेशा से उनके बुलाने पे आते हैं जी, और आज चूंकि एक सरस्वती के पुजारी डॉक्टर सुनील कपूर साहब का जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट करने यहाँ आए, शाम को फाउंडेशन दिन है, तो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जाएंगे, शुभकामनाएं देते बहुत बहुत उनको और आगे बढ़े इंशाल्लाह सुबह से ही। ठीक है, कुछ और लोग भी हमें जुड़ लेते हैं। सर, 29वां स्थापना दिवस है हम लोगों का, तमाम जो लोग हैं सुबह से ही आज जश्न का माहौल चल रहा है, लेकिन सबसे खास बात आपने देखी है सर कि आरकेडीएफ ग्रुप सेक्शन के साथ साथ सामाजिक अपनी एक जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, समाज को जोड़ना, समाज को आगे बढ़ाना, कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? आपका कहना एकदम उचित है और सही है, हम सामाजिक शैक्षणिक में तो हम 29 वर्ष से अपना सहयोग मध्य प्रदेश, वरुण और दूसरे राज्यों में हम दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, कोरोना में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया, हमारे चेयरमैन सर के मार्गदर्शन में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और उनके जन्मदिवस पर और स्थापना दिवस पर तहे दिल से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। लोग हैं एक साथ एकजुट होने के साथ साथ ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं, भविष्य को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्टर सुनील कपूर ने बताया कि आने वाला हमारा मकसद है कि आरकेडीएफ को और हम दुगनी ताकत से आगे लेके जाएं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाला समय आरकेडीएफ का किस तरीके से देखा है? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आरकेडीएफ समूह की मुख्य खूबी यह है कि हमारे यहाँ जो आदमी एक समय और समय सीमा से ज़्यादा जुड़ जाता है, 20-20, 25 साल, 30 साल, जितने साल का ग्रुप पुराना है उतने साल का स्टाफ है हमारे पास, है ना, मुझे ही 26 साल हो गए हैं इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में एक परिवार जो होता है वो आदरणीय चेयरमैन आपकी कृपा से। बिल्कुल, देखिए ये हमारा हमेशा सा आरकेडीएफ ग्रुप का धैर्य रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना, और आरकेडीएफ हमेशा मकसद रहा है, तमाम ये चीज़ें हैं। आज 29वां स्थापना दिवस जब है, हम पहुँचेंगे लोगों के बीच में, पहुँचेंगे और सेवा बस्ती में हम पहुँचेंगे, सेवा बस्ती में पहुँचने के साथ साथ स्थापना दिवस के रूप में तमाम ये चीज़ें हैं, लोगों को गिफ्ट करेंगे, लोगों को तोहफा पहुँचाएंगे, और यही कोशिश करेंगे कि अंतिम जो व्यक्ति है समाज का, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। और ये तस्वीरें सर, आज का दिन ये तमाम चीज़ों को लेकर हम अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उस तक पहुँचने की हमेशा से आपकी कोशिश रही है, और जिस तरीके से हम पूरा समझ पाए कि अपने से पहले समाज को लेके आपने काम किया है, सर किस तरीके से समाज को लेके हमें आगे और बढ़ना चाहिए? ये समूह अंतिम पंक्ति पे जो आदमी खड़ा उसके साथ खड़ा है, वहीं से उठा है और उन्हीं के साथ ही आगे बढ़ रहा है जी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है जब अंतिम पंक्ति वाला आदमी जो मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उनके साथ आज अपना 29th स्थापना दिवस मना रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। समाज का निर्माण, समाज को साथ में लेना और अंतिम छोर के व्यक्ति को आरकेडीएफ से जोड़ना, ये हमारा सिद्धांत है और यही हमारा संकल्प है। कैमरामैन प्रतिक्रिया तदु शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। इसी के साथ खास बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।